नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार सिंह और एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया विश्व कप 2019 की खबरें। और आज का जो मुकाबला था वो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया मैनचेस्टर के ओल्ड फोर्ड में। ये मुकाबला जो है वो खेला गया और भारत ने आज के मुकाबले में वेस्ट इंडीज को शानदार 125 रनों से करारी शिकस्त दे दिया। जी हाँ, भारत ने वेस्ट इंडीज को 125 रनों से शिकस्त दे दी है और भारत जो है अब दूसरे नंबर पर आ गया अंक तालिका में और सेमीफाइनल में पहुंचने की जो उम्मीद है भारत की वो बहुत बढ़ गई है। और इसके साथ ही वेस्ट इंडीज की जो उम्मीद थी सेमीफाइनल में बने रहने की वो टूट चुकी है और कहीं ना कहीं 2019 का जो विश्व कप है उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की दौड़ से वेस्ट इंडीज जो है बाहर हो चुकी है। मैं अगर बात करूं सबसे पहले टॉस, तो टॉस आज कप्तान विराट कोहली ने जीता और सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। हालांकि जेसन होल्डर ने भी बोला था टॉस के वक्त अगर वो टॉस जीतते तो बल्लेबाजी करने का ही फैसला करते, और जो टॉस जीत के जो बल्लेबाजी करने उतरे तो भारत की शुरुआत अच्छी हुई। 29 रन पे भारत का जो पहला विकेट था वो गिरा, हालांकि वो जो रोहित शर्मा के रूप में गिरा था केमार रोच की गेंद पे, वो डिसीजन तो था हालांकि अप्स डाउन में था लेकिन वो थर्ड अंपायर के ऊपर था, उन्होंने आउट दिया उसे। उसके बाद बैटिंग करने आए कप्तान विराट कोहली ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की और आज 72 रनों की फिर पारी भी खेली और लगातार इस विश्व कप में अपना चौथा अर्धशतक भी लगाया। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे केएल राहुल ने भी अच्छे, माफ कीजिएगा विजय शंकर, हालांकि जल्दी आउट हो गए थे। केएल राहुल ने 48 रन की पारी खेली थी आज। केदार यादव भी आज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत का एक समय जो स्कोर था वो 140 रन पे 4 विकेट गिर गया था। कुछ देर के बाद कप्तान विराट कोहली भी आउट हो गए थे तो भारत का स्कोर 180 पे 5 था। हालांकि आज का जो मैच था, पिछले मैच में बहुत स्लो खेल रहे थे महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने बहुत एक तरफ एक पारी को छोड़ को संभाल के रखा था और अंत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 956 रन बनाए और भारत का जो स्कोर था उसे 268 तक पहुंचाया 7 विकेट के नुकसान पे। अगर गेंदबाजी की बात करें तो केमार रोच ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने 3 विकेट निकाल के अपनी टीम को दिए। तो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों की अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज की जो शुरुआत थी काफी स्लो थी और हमने देखा कि क्रिस गेल जो है मात्र 6 रन बना पाए, उसके बाद भी उन्होंने 19 गेंद खेला लिए, उसके लिए 6 रन बनाने के लिए 19 गेंद का सामना करना पड़ा और मोहम्मद शमी की गेंद पर वो आउट हुए थे। आज मोहम्मद शमी ने एक बार फिर कमाल दिखाते हुए 16 रन देके 4 विकेट लिए। ये मोहम्मद शमी का एक दिवसीय क्रिकेट में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा। इसके पहले पिछले मैच में भी अफगानिस्तान के खिलाफ मोहम्मद शमी ने हैट्रिक सहित 4 विकेट लिए थे। अब मोहम्मद शमी के 8 विकेट भी गए। इसके साथ बुमराह ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लिया। यजवेंद्र चहल ने भी 2 विकेट आज के मैच में लिए थे। आज के और जो पूरी टीम थी वो 143 रनों पर ऑल आउट हो गई वेस्ट इंडीज की और भारत को आज 125 रनों की बड़ी जीत मिली है। इसके साथ ही विश्व कप में जो जीतने का जो सिलसिला था भारत का, अब 9 मैचों में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 6 मैच का हो गया है। वेस्ट इंडीज अभी भी 3 पे ही रह गई और कहीं ना कहीं जो भारत की जो टीम थी वो अब आगे का जो मैच होगा इंग्लैंड का उसके लिए पूरी तैयार दिख रही है। हालांकि मिडिल ऑर्डर अभी भी जो है वो संशय का विषय है क्योंकि विजय शंकर और केदार यादव बल्लेबाजी नहीं उतनी अच्छी कर पा रहे क्योंकि विकेट जो था उन्होंने जल्दी उनका गिरा था। हालांकि आज का जो मैच था अंत में भारत ने जीता, ये भारत के लिए बहुत खुशी की बात है, भारतीय फैंस के लिए, भारतीय टीम के लिए कि आगे मैच के लिए वो इंग्लैंड के साथ तैयार है खेलने के लिए। बहरहाल देखना यह होगा दोस्तों कि इंग्लैंड के साथ पूरी टीम किस तरह से खेलती है। और आज का जो मैन ऑफ द मैच जिसे चुना गया विराट कोहली रहे, शानदार 72 रनों की पारी भी उन्होंने खेली थी, इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।